Designer clothes, stylish. Designer watch, क्या बात है पीहू? और ये तो देखो इसके शूज जिमी चू के लगते हैं। खबरदार! अनमोल, ये मेरी बहन है। अगर इसके साथ किसी ने गंदा मजाक किया ना तो? और रियली किया तो क्या कर लेगा? हाँ बोल, क्या करेगा? मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा, वो तुम लोगों की ऐसी क्लास लेगा कि दोबारा किसी के साथ मजाक करने के लायक नहीं रहोगे। ओ या, तुम्हारा दोस्त? ए मोटे, इधर आ, जब देखो तब खाता रहता है। चल जी, अब चलते हैं। Come on girls, hurry up. तूने मुझे मोटा बोला? सॉरी भैया, मैंने नहीं, वो देखो लड़कियां भाग रही हैं। वो लड़कियां मेरी रैगिंग कर रही थी, उन्होंने ही कहा था आपको मोटा बोलने को। मेरे अंदर इतनी गट्स कहां कि मैं आपको मोटा कहूं? पीयू से पूछिए ना। ये तो बहुत भोला है। दोबारा अगर उन लोगों ने तुझे तंग किया तो बोल देना मुझे, एक एक की क्लास लूंगा मैं। थैंक यू भैया। भाभी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? शालू, 11 बज गए हैं। रोज इस टाइम तक तो चाची अपनी सुबह की कॉफी के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेती हैं। और आज है कि उन्होंने सुबह से एक बार अपना दरवाजा भी नहीं खोला। क्या बात क्या है? भगवान करे सब ठीक हो। मैं एक बार देख के आती हूँ। अगर माँ जी ने पूछा तो? माजी ने पूछा तो हाँ, मैं ये बोल दूंगी कि मैं उन्हें कमरे की खिड़कियां बंद करने के लिए कहने गई थी। खिड़कियां नहीं बंद करती तो घर में मच्छर आ जाते ना। ये बहाना ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं देख के आती हूँ। गोल्डन मोमेंट, अब तो दीदी पक्का पकड़ी जाएंगी, और वो भी दुश्मन चाची की प्यार भरी सेवा करते हुए। बस यहीं से शुरू होगी मेरे बदले की कहानी। सावधान हो जा सुनिधि, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। दीदी भी ना, गोल्डन मोमेंट छूट गया। लगता है जब तक मैं और मम्मी जी घर में,
दीदी की हिम्मत नहीं होगी दुश्मन चाचे की मदद करने की। कुछ ना कुछ खेल तो खेलना ही पड़ेगा। मैं आपको दीदी को रंगे हाथों पकड़वाऊंगी और वो भी चाची की मदद करते हुए। जानती हूँ चिल्को कि तू जादूगरनी है, पर तू ये जादू दिखाएगी कैसे? मम्मी जी मेरे साथ बाहर चलिए। बाहर किस लिए? अरे मम्मी जी वो सब छोड़िए, आप बस चलिए ना, मैं सब समझाती हूँ। आइए आइए। ये भगवान भाभी आपको इतनी चिंता हो रही तो आप जाके चाची को उनका हाल पूछ लीजिए ना। चलो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हुआ ना हो उन्हें। भगवान करे सब ठीक हो। दीदी मैं मम्मी जी को मंदिर छोड़ते हुए जरा बुटीक जा रही हूँ, हमें आने में एक दो घंटा तो लग ही जाएगा, है ना मम्मी जी? ठीक है। और हाँ आंख और कान दोनों खोल के अच्छी तरह सुन ले, चाहे वो मरे या जिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गई? कितना भी बुलाए उसकी मदद नहीं करनी, मुझे इस घर में कल रात की तरह कोई तमाशा नहीं चाहिए, और मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई भी काम करने की कोशिश मत करियो, वरना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझी? जी माँ जी। चलिए मम्मी जी, ठीक कह दीदी। बापरे बहुत बड़ी धमकी दे के गई माँ जी तो। चाहे वो मरे या जिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी बुलाए उसकी मदद नहीं करनी, मुझे इस घर में कल रात की तरह कोई तमाशा नहीं चाहिए, और मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई भी काम करने की कोशिश मत करियो। फोन उठाइए चाची, फोन तो उठाइए ताकि मुझे तसल्ली हो सके कि आप बिल्कुल ठीक है, उठाइए। हेलो। हाँ आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मैं बाहर से खाना नहीं ऑर्डर कर सकती, प्रतिभा ने मेरे लिए इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई आज सुबह। महेन भी मेरा ख्याल रख रहा है, उसे तो पता भी नहीं कि मैंने वो पुलिस की जो धमकी दी थी वो झूठी थी, उसके बावजूद भी उसने मेरी मदद की, बहुत प्यारा बच्चा है। इसका मतलब पुष्पा चाची का मकसद गलत नहीं था। श्रीकांत बार बार कह रहा है कि मैं महीन के खिलाफ कार्रवाई करूं क्योंकि उसने वो नकली कागजात बनवाए थे ताकि उस पर प्रेशर बना रहे। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा मैं नहीं करूंगी। भाभी क्या हुआ? शालू चाची वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। हम लोगों ने उन्हें बहुत गलत समझा, पता है उन्होंने फोन पर क्या कहा कि हम उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, जबकि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हमेशा से मेरा दिल ये बात जानता था कि वो गलत नहीं हो सकती, कभी भी इस घर के बारे में बुरा नहीं सोच सकती।
मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया। बहुत गलत किया। खैर, अभी माजी और सुनिधि के आने में टाइम है, तब तक मैं जल्दी से कुछ बनाकर उन्हें खिला के आती हूँ। हाँ ठीक है। अभी घर पे कुछ काम था, मैं जाऊँ? हाँ। ये सब क्या हो रहा है चिल्को? इतनी चिलचिला रही, धूम में मुझे झुलस का मारना चाहती है क्या? अरे दुमका वाली को रंगे हाथ पकड़ने का मतलब ये तो नहीं है तो मुझे भी निमटा दे। मम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स, मम्मी जी थोड़ा सबर और कीजिए, बस मुझे 10 मिनट और दीजिए और फिर देखिए कमाल। अरे क्या कमाल, बंद दरवाजे आगे लाके खड़ा कर दिया, अरे किसी ने देख लिया जब क्या होगा। चाची, आ प्रतिभा। सच कहूं चाची तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। आपने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए। माजी का रुमाल यहाँ कैसे आ गया? कल दे दूंगी। ओह गॉड, थैंक गॉड मम्मी जी, दीदी की चमची ने नहीं देखा, नहीं तो अंदर जाकर हमारा भांडा ही फोड़ देती। चलिए मम्मी जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन है हमारे घर का असली विलेन। अरे जल्दी कर प्रतिभा, पकड़ी जाएगी, चुड़ैले आ रही है, वक्त तेरे हाथ से जा रहा है, जल्दी कर। आइए, ये तो लॉक है। मेरा मन कर रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ और तुम बना के ले आई, कहीं तुमने मेरे मन की आवाज तो नहीं सुनी। अरे मेरे पास एक और डुप्लीकेट चाबी है, जल्दी निकालिए मम्मी जी। अरे वाह, मुझे दीजिए। और नहीं प्रतिभा, अब तुम ये जल्दी जल्दी संभाल लो, और नहीं तो तुम पकड़ी जाओगी। रहना तो परिवार के साथ ही है ना प्रतिभा, तुम्हें वही करना चाहिए। ले जाओ। कोई टेंशन नहीं है चाची, माजी मंदिर गई हुई है और सुनिधि अपने बुटीक के काम से गई है, दोनों घंटे भर बाद में ही आएंगी। लेकिन आपकी बात भी सही है। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर बाद आकर आपको देखती हूँ। साहब, कोई रास्ता सूझा आपको? मैं परेशान हो रहा हूं बहुत। मैं एक आखिरी दाव खेल रहा हूं अग्रवाल साहब। क्या? जो आपसे कल रात को डिस्कस किया था। हाँ, देखते हैं कैसे काम करता है। अगर ये दाव चल गया तो फिर पुष्पा जी के खिलाफ एक अलग ही चैप्टर शुरू हो जाएगा, और अगर वर्क नहीं किया तो आप जानते ही हैं कि ये मामला कहां तक पहुंचेगा। तो ये रिजल्ट का कब तक पता चलेगा? एनी टाइम,
मैं तो बस एक फोन कॉल का वेट कर रहा हूँ। आप बस थोड़ा पैसों का बंदोबस्त कर दी। अरे उसकी चिंता मत कीजिए बत्रा साहब, आप बस ये मामला निपटाइए जल्दी। यस। तू उसके कमरे से आ रही है? तेरी हिम्मत कैसे ही दुमके वाली मेरी बात ना सुनने की? अरे मैं तेरे से ये पूछती हूँ, तो ये कैसे भूल गई कि उस औरत ने मेरे बेटे और तेरे पति को गिरफ्तार करवाने के लिए इस घर में पुलिस बुलाई थी? नहीं नहीं माँ जी, ये सब गलत फहमी है। पुलिस के नाम से वो सिर्फ हम लोगों को डराना चाहती थी। मैंने अभी अभी उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। चालाक की मैं लोमड़ी की भी माँ है, वो समझ गई क्या तू सुन रही है? मम्मी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि दीदी झूठ बोल रही हो, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो, बस हमें खामखा सुना दिया। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ नहीं है। प्रतिभा झूठ बोल रही है। ठीक है, थैंक यू। क्या कुछ कहा? हमें पुष्पा जी से बात करनी होगी। क्या पुष्पा जी से? किस सिलसिले में बात करनी होगी? क्या कहा क्या उसने? We lost the case. The only way out is out of court settlement. और आपस में कोई डील कर लो। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। इस घर में मेरा हिस्सा पाने में प्रतिभा मेरी मदद कर रही है। यही सुनना था ना आप लोगों को? तो ये लो, यही बात मैंने सुना दी आप दोनों को। क्यों प्रतिभा को कटघरे में खड़ा किया हुआ है? हाँ मुझे ला, तुम थक जाओ। नहीं, नहीं, पर मैं... अरे दो, ठीक हो? मेरा घर बांट के तू यहाँ राज करना चाहती है? भले ही तुझे दुनिया ना पहचानती हो, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कितने पानी में। ओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ सच में। इस घर में कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करता। क्या बात है। ये घर मेरा है, काशी अग्रवाल का। ऐरे गैरे नथू खैरे का घर समझने की भूल मत करियो इसे। और जब तू बकवास कर रही है ना, अभी और इसी वक्त बंद कर। दीदी आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि आज प्रतिभा ने मेरी मदद करके बहुत ही गलत किया। चाची आप अंदर कमरे में जाइए ना, आप आराम कीजिए, इन बातों को छोड़ दीजिए। छोड़ देती प्रतिभा, अगर ये लोग तुम पर इतना अत्याचार नहीं कर रहे होते तो। तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे देगी? एक डील दे सकती हूँ मैं आपको। डील? ऐसी डील जिससे या तो ये घर जुड़ सकता है या हमेशा के लिए टूट सकता है। डील ये है कि इस घर से मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए। फिर मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। हार गई ना, मेरा मुन्नो जीत गया। अभी कर रही है तो डील फील की बातें। महीन ये केस हारा है या जीता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहती हूँ कि ये डील का टाइम सिर्फ एक घंटा है। एक घंटा सोच लीजिए
पास। डील मंजूर है मुझे। डील मंजूर है मुझे। मंजूर है मुझे।